Welcome. Good morning all DMNT and DRT students. आज हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हीमेटोलॉजी के अंदर. टुडेज लेक्चर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. ये जो WBC है या ल्यूकोसाइट है उनको क्लासिफाई किस बेस पे किया गया है एक तो, और किस किस ग्रुप में उनको क्लासिफाई किया गया है, वो सारा डिस्कशन आज के लेक्चर में करेंगे. एक बार क्या है, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पीछे का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं. जो क्या था आपका ल्यूकोपोइसिस के ऊपर कि व्हाइट ब्लड सेल फॉर्म कैसे होती हैं, कौन सी उसके अंदर स्टेजेस आती हैं. ओके, पीछे का लेक्चर किस पे था आपका कि व्हाइट ल्यूकोपोइसिस पे, WBC के फॉर्मेशन पे, ठीक है. तो जिसमें आपने देखा था कि व्हाइट ब्लड सेल किससे जनरेट होती है, हीमोसाइटोब्लास्ट यानी बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल से. पर फिर आगे वो दो लाइन के अंदर डिवाइड होती है, एक तो माइलोइड लाइन है, एक क्या था लिम्फोइड लाइन है. तो पहले अपन किस पे डिस्कस करेंगे, माइलोइड लाइन है. माइलोइड लाइन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है तो आपको पता है, माइलोइड लाइन से न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और क्या है कि मोनोसाइट, और उसके अलावा रेड ब्लड सेल, RBC और प्लेटलेट जनरेट होते हैं, जबकि लिम्फोइड लाइनेज से ओनली लिम्फोसाइट जनरेट होती है. पहले अपन किस पे डिस्कस कर लेते हैं, माइलोइड लाइनेज, माइलोब्लास्ट पे. इसमें देखिए, द माइलोब्लास्ट इज ए यूनिपोटेंट स्टेम सेल विच डिफरेंशिएट इनटू द इफेक्टर ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट सीरीज. यानी क्या है, माइलोब्लास्ट एक सीरीज है स्टेम सेल की, जो आगे चल के किसमें डिफरेंशिएट हो जाती है, अलग अलग ग्रेन्युलोसाइट की सीरीज में डिफरेंशिएट हो जाती है. लार्ज सेल विद ए लार्ज न्यूक्लियस एंड विच डिमोन्स्ट्रेट बेसोफिलिक स्टेनिंग. मतलब इस सेल का साइज वो क्या है, लार्ज है, और न्यूक्लियस का साइज भी कैसा है, लार्ज है. और इसको डिमोन्स्ट्रेट यानी इसका पता लगाना हो, डिटेक्ट करना हो बोन मैरो के अंदर, तो कौन सी स्टेनिंग से कर सकते हैं अपन, बेसोफिलिक स्टेनिंग से माइलोइड लाइनेज को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं या माइलोब्लास्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं. द सेल डेवलप फ्रॉम प्रिमिटिव सेल, और इस सेल का डेवलपमेंट कौन सी सेल से हुआ है, प्रिमिटिव सेल से. डायमीटर कितना होता है माइलोब्लास्ट का, 10-18 माइक्रोमीटर, और न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंडेड. और साइटोप्लाज्म डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर अभी कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, डेवलप नहीं हुए ग्रेन्यूल. तो सबसे बड़ी सेल है वैसे तो 10-18 माइक्रोमीटर डायमीटर है इसका. न्यूक्लियस है राउंडेड यानी गोल, और साइटोप्लाज्म कैसा है, डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, यानी इसके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते. नेक्स्ट क्या है दूसरी, माइलोसाइट. माइलोब्लास्ट किसमें डेवलप होती है, फिर आगे माइलोसाइट में. माइलोसाइट आर स्मॉलर सेल, ये क्या है, छोटी कोशिकाएं हैं. नेक्स्ट, न्यूमेरस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मोर मैच्योर फॉर्म ऑफ माइलोसाइट. और जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या है, माइलोसाइट की मैच्योर सेल में प्रेजेंट होते हैं. शुरू में माइलोब्लास्ट से जब क्या है माइलोसाइट बनती है, उस टाइम पे ग्रेन्यूल नहीं होते, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब उसमें क्या है, ग्रेन्यूल डेवलप हो जाते हैं. डायमीटर कितना है इसका, 10-14 माइक्रोमीटर, और न्यूक्लियस साइज डिक्रीज एंड सेल मल्टीप्लाई. यानी न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, और सेल क्या है, मल्टीप्लाई यानी डिवीजन अभी भी कर रही है, यानी विभाजन इसके अंदर चल रहा है. साइटोप्लाज्म कैसा है, ग्रेन्यूल्स अपीयर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है एंडिंग में. नेक्स्ट है मेटामाइलोसाइट, यानी सबसे पहले माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट फिर किसमें कन्वर्ट होती है, माइलोसाइट में, और माइलोसाइट किसमें कन्वर्ट होती है, मेटामाइलोसाइट में. ए मेटामाइलोसाइट इज ए सेल अंडरगोइंग ग्रेन्युलोपोइसिस ड्राइव्ड फ्रॉम ए माइलोसाइट एंड लीडिंग टू ए बैंड सेल. और मेटामाइलोसाइट क्या है कि ग्रेन्युलोपोइसिस की एक सेल है जो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग बनती है, और जो डिराइव्ड यानी बनी किससे है, माइलोसाइट से, यानी माइलोसाइट आगे फर्दर किसमें डेवलप होती है, मेटामाइलोसाइट में एंड लीडिंग टू ए बैंड सेल. और आगे मेटामाइलोसाइट फिर किसमें डेवलप होती है, बैंड सेल में. और बैंड सेल क्या है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनकी ग्रेन्युलोसाइट की
प्री मैच्योर सेल है। डायमीटर कितना होता है मेटामाइलोसाइट का? 10 टू 11 माइक्रोमीटर, यानी 10 से 11 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियन डेवलप नॉब एंड सेल स्टॉप मल्टीप्लाई, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि अभी भी क्या है, डेवलप नॉब्स यानी पालियां क्या हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं, और सेल स्टॉप मल्टीप्लाई, और सेल ने क्या है विभाजन करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स अपीयर। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आपको मेटामाइलोसाइट में ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मैच्योर यानी परिपक्व सेल, दे बिकम फुल्ली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल टू फॉर्म ए ल्यूकोसाइट। यानी क्या है, फिर मेटामाइलोसाइट किसमें कन्वर्ट होती है, बैंड सेल में, और बैंड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर सेल में। और अभी क्या है, जो मैच्योर सेल है वो कहती है कि वो बिकम फुल्ली पूरी तरीके से परिपक्व है, और ल्यूकोसाइट के जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, उनको करने के लिए कैपेबल है, उनमें कैपेसिटी है। नेक्स्ट है मोनोसाइट रिक्वायर्ड 6 डेज फॉर द मैच्योरेशन। यानी मोनोसाइट जो होती है एग्रेन्युलोसाइट, वो कितने दिन लेती है मैच्योरेशन में? 6 दिन। यानी पूरे जो हीमोसाइटोब्लास्ट से लेकर एक कंप्लीट मोनोसाइट सेल बनने का टाइम कितने दिन का है? 6 दिन का है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट फ्रॉम माइलोइड स्टेम सेल टेक अराउंड 10 डेज। और जो इसका फॉर्मेशन है ग्रेन्युलोसाइट का, अदर जो सेल्स बच गई जैसे न्यूट्रोफिल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इयोसिनोफिल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और बेसोफिल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कितने दिन लेती है आगे? 10 दिन लेती है। तो देखिए माइलोइड लाइनेज में आपने देखा था क्या, सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट, फिर वो माइलोइड स्टेम सेल में डेवलप होता है, फिर माइलोसाइट, फिर मेटा माइलोब्लास्ट, फिर मेटा, फिर माइलोसाइट, और फिर लास्ट में क्या है, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल और मैच्योर सेल। ये किसका डेवलपमेंट था? माइलोइड लाइनेज का। अभी किसका डेवलपमेंट देखोगे आप? लिम्फोइड लाइनेज का, जिससे कौन सी सेल डेवलप होती है? ओनली लिम्फोसाइट। तो लिम्फोब्लास्ट का डायमीटर कितना होता है, यानी हीमोसाइटोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होता है? लिम्फोइड लाइनेज में। और जिसके अंदर क्या डेवलपमेंट है, सबसे पहली सेल कौन सी है? लिम्फोब्लास्ट। डायमीटर कितना है इसका, लिम्फोब्लास्ट का? 12 टू 20 माइक्रोमीटर, यानी माइलोब्लास्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। न्यूक्लियस कैसा है? राउंडेड यानी गोल। द सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट। और लिम्फोब्लास्ट फिर क्या है, डेवलपमेंट के अंदर जाएगी, आगे मैच्योर होगी, मैच्योर होगी तो क्या है, वो दो प्रकार की सेल जनरेट करेंगी, एक तो लार्ज लिम्फोसाइट, एक स्मॉल लिम्फोसाइट। तो आप देखिए सबसे पहले लार्ज लिम्फोसाइट, स्टॉप डिवीजन एंड मैच्योर सेल, यानी इसके अंदर क्या है, डिवीजन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और मैच्योर सेल है, परिपक्व सेल है, दे अपीयर इन सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन के अंदर भी प्रेजेंट रहती है। लार्ज लिम्फोसाइट का नाम क्या है दूसरा? नेचुरल किलर सेल। दूसरी है स्मॉल लिम्फोसाइट, दे आर फॉर्म बाय फर्दर मैच्योरेशन ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट। यानी स्मॉल लिम्फोसाइट क्या है कि लार्ज लिम्फोसाइट का फर्दर डेवलपमेंट है। और स्मॉल लिम्फोसाइट में आपको पता है कि लिम्फोइड सीरीज से दो सेल निकलती है, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी जो सेल्स होती है बीटा सेल्स, और टी कौन सी? थाइमस सेल। थाइमस सेल के अंदर दो सेल होती है, एक तो CD4, CD8। CD4 तो क्या करती है कि एंटीबॉडीज बनाने को स्टिमुलेट करती है, उत्प्रेरित करती है, और CD8 एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टॉप करती है। और बी जो सेल है, यानी टी सेल के अंदर दो पोर्शन होंगे, दोनों के काम भी बताती है। बी सेल है यानी बोन मैरो से रिलेटेड जो सेल है, वो क्या काम करती है? वो एंटीबॉडी फॉर्म करती है खुद, और उनको स्टिमुलेट कौन करती है, उत्प्रेरित कौन सी सेल करती है? टी सेल करती है। नेक्स्ट क्या है? रेगुलेशन ऑफ लिम्फोपोइसिस, यानी जो लिम्फोपोइसिस है उसको रेगुलेट कौन करता है, कौन सी चीजें उस पर इफेक्ट डालती हैं, कौन सी चीजें उसको स्टिमुलेट करती हैं। तो रेगुलेशन के अंदर फर्स्ट देखिए, प्रोटीन फॉर्म बाय SCL यानी स्टेम सेल ल्यूकेमिया। प्रोटीन फॉर्म बाय SCL किसके द्वारा प्रोटीन फॉर्म की जाती है? स्टेम सेल ल्यूकेमिया के द्वारा। स्टेम सेल ल्यूकेमिया जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, यानी बोन मैरो के अंदर जो लिम्फोपोइसिस के लिए स्टेम सेल जनरेट होती है, उनको कौन सा प्रोटीन, कौन सा जीन रेगुलेट करता है? स्टेम सेल ल्यूकेमिया। और यही क्या करता है, उसको
मेंटेन करता है कितनी सेल्स जनरेट होंगी। अगर एचसीएल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या है, लिम्फोपोइसिस में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यानी सीएसएफ, एक तो सीएसएफ यहाँ पे है, एक ब्रेन के अंदर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी क्या है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर देखिए, सीएसएफ इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेज एंड एंडोथेलियम सेल्स। और सीएसएफ क्या है, प्रोटीन है जो टी लिम्फोसाइट फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज यानी मोनोसाइट और एंडोथेलियम सेल के द्वारा एक्सक्रीट की जाती है। और यही क्या है, ये भी लिम्फोपोइसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन यानी कि अंदर की तरफ सीक्रेट होने वाली कोई चीज, तो इट्स हार्मोन लाइक सब्सटेंस। ये किसके जैसे पदार्थ होते हैं, इंटरल्यूकिन हार्मोन्स के जैसे पदार्थ होते हैं, रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, और जो किसको रेगुलेट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सब्सटेंस कौन से हैं, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन, एक कोर्टिसोल, एक है एसीटीएस, प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन ए कंट्रोल ऑफ ल्यूकोपोइसिस। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन, कोर्टिसोल और एसीटीएस क्या है कि इसको रेगुलेट करते हैं ल्यूकोपोइसिस को, जो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं हार्मोन। और ये क्या है, इंटरल्यूकिन क्या है, इसके इम्यून रिस्पॉन्स को भी रेगुलेट करते हैं, जैसे एंटीबॉडीज जो जनरेट होती हैं, या फिर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया उसको किल करने के लिए भी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा फॉर्म होती है तो उसको मेंटेन करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को स्टिमुलेट करना। क्या देखा था, ल्यूकोपोइसिस यानी व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन। और आज का लेक्चर किस पे है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल यानी जो जनरेट हुई है व्हाइट ब्लड सेल, उनको आगे क्लासिफाई किस चीज के बेस पे किया गया। तो ल्यूकोसाइट आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, द ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलो ल्यूकोसाइट आर द बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूक्ट्रोफिल, एंड द नॉन ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट आर द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। कि देखिए सबसे पहले जो ल्यूकोसाइट है उसको किस चीज के ऊपर बेस पे क्लासिफाई किया गया था, ग्रेन्यूल्स के ऊपर। जिन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स थी उनको अलग क्लासिफाई कर दिया गया, और फिर क्या जिनके अंदर एग मतलब ग्रेन्यूल्स एब्सेंट थी उनको क्या नाम दे दिया गया, नॉन ग्रेन्युलर या एन ग्रेन्युलर, एग्रेन्युलर। ठीक है, और जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थी उनको ग्रेन्युलर। फिर क्या है कि एग्रेन्युलर के अंदर यानी ग्रेन्युलर के अंदर ल्यूकोसाइट के अंदर कौन सी सेल आती है, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। फिर क्या है, इन तीनों सेल को कैसे क्लासिफाई किया, ग्रेनुलोसाइट जो है उनको आगे किस बेस पे क्लासिफाई किया गया, सेल की स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके शेप एंड स्ट्रक्चर के बेस पे। न्यूट्रोफिल की लोब, न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में कितनी लोब है, बेसोफिल की न्यूक्लियस में कितनी लोब है, इओसिनोफिल की न्यूक्लियस में कितनी लोब है, यानी आगे ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट को न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले ल्यूकोसाइट में भी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, यानी ल्यूकोसाइट को किसमें क्लासिफाई किया गया, दो ग्रुप में। द ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट आर द बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। यानी ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन सी चीजें आती है, कौन सी सेल आती है, एक तो बेसोफिल आती है, एक इओसिनोफिल आती है, और एक कौन सी आती है, न्यूट्रोफिल। एंड द नॉन ग्रेनुलर यानी एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट आर द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो नीचे डायग्राम में देखिए कि ल्यूकोसाइट को क्या है, दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, एक तो एग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। फिर क्या है, एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट में कौन सी सेल है, एक तो लिम्फोसाइट है, एक मोनोसाइट है, और दूसरी साइट क्या है, ग्रेनुलर यानी जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो ग्रेनुलर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फर्दर बेसोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक और किसमें, इओसिनोफिलिक में क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफाइड एज ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, यानी ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट का क्लासिफिकेशन। तो ग्रेनुलोसाइट में आपने देखा था पीछे भी कि कौन सी चीजें हैं, तो एक तो न्यूट्रोफिलिक है, न्यूट्रोफिल है, एक इओसिनोफिल है, एक बेसोफिल है, और दूसरी तरफ एग्रेनुलोसाइट में क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स दैट कंटेन नो माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स,
यानी ऐसी सेल जिसमें कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट ना हो, जिनको माइक्रोस्कोप से अपन सीन करते हैं, देखते हैं। कौन सी है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। यानी ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, और एग्रेन्यूलोसाइट के साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते, उनको देख नहीं सकते। तो नीचे स्ट्रक्चर दिखाई गई है, तो आप देखिए न्यूट्रोफिल की जो शेप है, न्यूक्लियस की, वो मल्टीलोब है। पालिया प्रेजेंट है, बेसोफिल में किडनी शेप दिखाई दे रही है, इओसिनोफिल में बाइलोब है, यानी दो लोब दिखाई गई है। साथ में इन तीनों स्ट्रक्चर में छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। उनका साइटोप्लाज्म कैसा है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। नेक्स्ट देखिए व्हाइट ब्लड सेल का जनरल इंट्रोडक्शन सभी सेल्स का। तो सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया गया ग्रेन्युलर एग्रेन्युलोसाइट में। ग्रेन्युलोसाइट कितने परसेंट है? 65%। ग्रेन्युलोसाइट में कौन सी सेल है? न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल है। तो न्यूट्रोफिल की जो न्यूक्लियस की शेप है वो कैसी होती है? मल्टीलोब, यानी इसमें बहुत सारी पालियां प्रेजेंट होती हैं। जबकि इओसिनोफिल के न्यूक्लियस की जो शेप है वो कैसी होती है? बाइलोब, यानी इसमें दो ही पालियां प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में। और बेसोफिल की शेप कैसी होती है न्यूक्लियस की? एस शेप, यानी एस के जैसी स्ट्रक्चर होती है। फिर डायमीटर देखिए कि न्यूट्रोफिल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 10 to 12 माइक्रोमीटर सेल का। इओसिनोफिल का 10 to 14 माइक्रोमीटर, और बेसोफिल का कितना होता है? 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। फिर लाइफ स्पान में देखिए इओसिनोफिल कितने दिन तक जिंदा रहती है? 6 to 7 हावर इन सर्कुलेशन, ठीक है, और 1 to 4 डेज इन टिश्यू, यानी ब्लड के अंदर तो कितने घंटे रहती है न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल? 6 से 7 घंटे। और जो आपका क्या है टिश्यू है उसके अंदर कितने दिन? 1 से 4 दिन। जबकि इओसिनोफिल देखिए 6 to 8 हावर इन ब्लड, यानी 6 से 8 घंटे किसमें प्रेजेंट रहती है? ब्लड में, और 2 to 5 डेज इन टिश्यू, और 2 से 5 दिन किसमें प्रेजेंट रहती है? टिश्यू में। और बेसोफिलिक है 4 टाइम इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर सबसे कम समय रहती है। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ऐसा प्रोसीजर जिसमें क्या है कोई फॉरेन पार्टिकल को, जैसे बैक्टीरिया वायरस को, वो एनगल्फ करती है, निगल लेती है, फिर उसको अंदर क्या कर देती है? किल कर देती है। तो ये कौन सी प्रक्रिया दिखाती है? फैगोसाइटोसिस दिखाती है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है जब भी कोई पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले कौन सी सेल आती है? न्यूट्रोफिल आती है। यानी फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन से हो करता है डब्ल्यूबीसी के अंदर? न्यूट्रोफिल से हो करती है। दूसरा है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या काम करती है? एंटी एलर्जिक इन इनफेक्ट, और एलर्जिक कंडीशन होती है जैसे किसी को पोलन ग्रेन्यूल से, डस्ट से, कस्टर्ड से, उस टाइम पे कौन सी सेल के काउंट बढ़ते हैं? इओसिनोफिल के। और तीसरी है बेसोफिलिक, जो क्या लिबरेट करती है, यानी एक्सक्रीट करती है, जो हिस्पेरिन, एक तो हिस्पेरिन एक्सक्रीट करती है जो कैसा है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, यानी जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता ह्यूमन बॉडी में। दूसरा है हिस्टामिन, और तीसरा है सीरोटोनिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स की जो शेप है उसको मेंटेन करते हैं, उसको श्रिंकेज करते हैं उसके अंदर, या उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर को कम या ज्यादा कर देते हैं। ये क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, उसके शेप एंड स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन। अगर आप देखो एग्रेन्युलोसाइट के अंदर, तो एग्रेन्युलोसाइट के अंदर 2 प्रकार की सेल है, एक तो मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई दे रही है आपको? न्यूक्लियस की किडनी शेप, और जबकि लिम्फोसाइट की कैसी है? राउंडेड, यानी गोल। फिर मोनोसाइट का जो डायमीटर होता है सेल का वो कितने माइक्रोमीटर है? 12 to 18 माइक्रोमीटर, और राउंडेड। और जबकि लिम्फोसाइट का कितना है? 10 to 12 माइक्रोमीटर। फिर अगर इनका लाइफ स्पान देखें तो 10 to 20 हावर इन ब्लड, यानी 10 से 20 घंटे किसमें रहती है? ब्लड में, और फिर किसमें माइग्रेट करी जाती है? टिश्यू के अंदर। और मोनोसाइट का फंक्शन देखिए आप, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ए सिंगल मैक्रोफेज कैन डाइजेस्ट 100 बैक्टीरिया इन टिश्यू। यानी न्यूट्रोफिल के बाद दूसरी लाइन का डिफेंस कौन शो करती है? कौन सी सेल आती है दूसरे नंबर पे? मोनोसाइट आती है, जो कि क्या है? सेकेंड लाइन डिफेंस शो करती है।
और एक साथ में एक मैक्रोफेज यानी टिश्यू के अंदर जो मोनोसाइट प्रेजेंट है वो 100 बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेती है, उनको किल कर सकती है। दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है कि एक वीक तक ब्लड में या एक वीक से एक मंथ तक ब्लड या टिश्यू में रह सकती है। और दो प्रकार के लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, यानी थाइमस लिम्फोसाइट और बोन मैरो लिम्फोसाइट। थाइमस तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है, उत्प्रेरित करती है, और बी जो है बी सेल क्या करती है एंटीबॉडीज को फॉर्म करती है यानी बनाती है। नेक्स्ट क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी है। अगर अपन अलग अलग एक एक सेल को क्लासिफाई करके उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर देखें, उनके फंक्शन देखें, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, किस तरीके का उनका डायग्राम है, वो सारी चीजें किसमें डिस्कस करोगे आप, मॉर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट में। तो इसमें देखिए न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है न्यूट्रोफिल सेल्स का, 10 टू 12 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा होता है इनका, मल्टी लोब, यानी इसमें बहुत सारी पालियां प्रेजेंट होती है। द नंबर ऑफ लोब्स इज 2 to 7, और जो न्यूक्लियस के अंदर लोब्स होती है पालियां होती है उनका नंबर कितने है, उनकी कितनी काउंट होती है, 2 से 7। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट यानी टोटल ल्यूकोसाइट के व्हाइट ब्लड सेल का कितने परसेंट होती है न्यूट्रोफिल, 45 to 65%, यानी 45 से 65% एवरेज। द ग्रेन्यूल्स आर 2 टाइप प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूट्रोफिल है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स कितने प्रकार की प्रेजेंट होती है, 2 प्रकार की ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, पहली कौन सी है, प्राइमरी एजेरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, यानी फर्स्ट कौन सी है, प्राइमरी एजेरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। प्राइमरी एजेरोफिलिक ग्रेन्यूल्स में क्या क्या है, कंटेन प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस, माइलोपरोक्सीडेज एंजाइम, और क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम। तो आप देखिए कंटेन प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस, यानी सेल को जब प्रोटीन को या फिर एनर्जी के लिए, जब जिन एनर्जी मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो सारे सब्सटेंस प्राइमरी एजेरोफिलिक में प्रेजेंट रहते हैं, यानी प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस। दूसरा है माइलोपरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है किसमें, न्यूट्रोफिल में। माइलोपरोक्सीडेज किसमें काम में आता है, क्रोमोसोम्स एनालिसिस में, उनकी इन्वेस्टिगेशन में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है माइलोपरोक्सीडेज काम में आता है। तीसरा क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम, तो लाइसोसोम के द्वारा एक्रीट किए जाते हैं, ये क्या करते हैं फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो शुरू से देखिए कि इसका डायमीटर कितना है, 10 to 12 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा है, मल्टीलोब यानी बहुत सारी पालियां प्रेजेंट रहती है। द नंबर ऑफ लोब इज 2 to 7, और इसके अंदर कितनी पालियां प्रेजेंट है, 1 के अंदर 2 से 7। परसेंटेज कितनी है, 45 to 65%। और ग्रेन्यूल्स कितने प्रकार की प्रेजेंट होती है न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म में, 2 प्रकार की। फर्स्ट है प्राइमरी एजेरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, यानी जो क्या क्या प्रक्रिया है, एक तो प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस यानी एंजाइम पाए जाते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल्स में, दूसरा माइलोपरोक्सीडेज एंजाइम, और तीसरा क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी ग्रेन्यूल, इसमें देखिए दे कंटेंट्स ऑफ लैक्टोफेरिन, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन। तो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं, इसमें एक तो लैक्टोफेरिन प्रेजेंट रहता है, एक एल्कलाइन फॉस्फेट्स प्रेजेंट रहते हैं, और क्या है, विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन, यानी B12 को बाइंड करने वाली प्रोटीन प्रेजेंट रहती है सेकेंडरी ग्रेन्यूल में। फिर इसका लाइफ स्पान देखिए न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रोफिल इज 6 to 7 hours इन ब्लड, यानी न्यूट्रोफिल 6 से 7 घंटे किसमें प्रेजेंट रहता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड 1 to 4 days इन टिश्यू, और 1 से 4 दिन किसमें प्रेजेंट रहता है, टिश्यू के अंदर, उत्तक के अंदर। फिर देखिए इसके फंक्शन काम क्या क्या है न्यूट्रोफिल के, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फैगोसाइटोसिस, यानी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है उनको किल करती है फैगोसाइटोसिस से। दिस सेल कैन कंसीडर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन, और जो न्यूट्रोफिल है वो क्या है, फर्स्ट लाइन की डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, यानी जब भी कोई डिजीज करने वाला पार्टिकल ह्यूमन बॉडी में आता है तो सबसे पहले उससे कौन सी सेल मिलती है, न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल आर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इननेट इम्यून सिस्टम। और न्यूट्रोफिल क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इननेट इम्यून सिस्टम में। इननेट का मतलब होता है ऐसा इम्यून सिस्टम जो अपने को बाई बर्थ मिला हो, जन्म से मिला हो, ठीक है, जैसे स्किन हो गई या फिर अपने माउथ के अंदर एंजाइम हो गया या जैसे स्टमक के अंदर एचसीएल हो गया, ये सारी क्या है, इननेट इम्यूनिटी है, ठीक है। इनके अंदर भी क्या है, न्यूट्रोफिल महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। मैच्योर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट 3 न्यूक्लियस लोब, और एक परिपक्व न्यूट्रोफिल में कितनी लोब्स पाई जाती है, कितनी पालियां पाई जाती है, 3 पाई जाती है। तो सबसे पहले तो सेकेंडरी ग्रेन्यूल में क्या प्रेजेंट रहता है, लैक्टोफेरिन, एल्केलाइन फॉस्फेट एंड विटामिन B12। लाइफ स्पान में देखोगे तो इसकी कितने दिन, 6 से 7 घंटे ब्लड में और 1 से 4 दिन टिश्यू में। फंक्शन देखोगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फैगोसाइटोसिस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है। द सेल कंसीडर्ड फर्स्ट लाइन की डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है। न्यूट्रोफिल आर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेट इम्यून सिस्टम, और जो ह्यूमन बॉडी का इननेट इम्यून सिस्टम है यानी जन्मजात से जो अपने को प्रतिरक्षा तंत्र मिला है उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैच्योर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट इन 3 न्यूक्लियस लोब, यानी परिपक्व न्यूट्रोफिल में कितनी पालियां प्रेजेंट रहती है, न्यूट्रोफिल के अंदर 3 पालियां प्रेजेंट रहती है, और अनमैच्योर न्यूट्रोफिल में 2 to 7 लोब पाई जाती है। न्यूट्रोफिल से इनके काउंट कब बढ़ते हैं, एक्यूट पैरालिटिक इन्फेक्शन में, किसी को पैरालिसिस होगी उस टाइम पे भी न्यूट्रोफिल के काउंट बढ़ जाते हैं। और न्यूट्रोफिलिया क्या है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल ड्यू टू वॉरम, यानी किसी जीवाणु के कारण, यानी जैसे अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, नॉर्मल कोल्ड होगी या फिर कोई न्यूमोनिया हो गया, यानी वो क्या है वॉर्म्स एक तरीके के, उस टाइम पे क्या न्यूट्रोफिल के काउंट बढ़ जाते हैं। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया। किसी को खांसी आ रही है, कोई इन्फेक्शन है, तो क्या न्यूट्रोफिल के काउंट बढ़ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रोफिलिया। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी व्हाइट ब्लड सेल की अदर जितनी भी सेल बची हैं उनके ऊपर अपन क्या है आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल तो आज पढ़ लिया, इओसिनोफिल बेसोफिल हो गया या फिर मोनोसाइट हो गया या लिम्फोसाइट हो गया, उनको आगे की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स टू ऑल।